दोस्तों, अगर आप सहारा से पैसा वापस लेने के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा, यानी कि सहारा में जो रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ था उसमें हम लोग क्लेम फाइल कैसे करेंगे, कैसे हम लोग अपने पैसे को वापस लेने के लिए अपना फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन घर बैठे, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने शो किया है। दोस्तों, साथ में आप लोगों को कहां पे क्या साइन करना होगा, कहां पे आपको फोटो चिपकाना होगा और भी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस आप लोगों को बताया है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा है दोस्तों और आप उसे आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि अपने पैसे को वापस लेने के लिए क्लेम फाइल करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो अभी से लेकर आज तक जरूर देखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया है कि आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल से सहारा के लिए रिफंड अप्लाई करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को CRCS का ये जो पोर्टल नया बनाया गया है, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल, इस पे आना होगा। लिंक आपके सामने ये रहा, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां से आप इस वाले लिंक पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का ये है। ठीक है, कौन कौन सा यहाँ पे पोर्टल, कौन कौन से सोसाइटीज का आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, तो दिखाया गया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का और स्टार्स पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चार में अगर आपका भी खाता था, अगर आपने भी इन चार सोसाइटीज में पैसा लगाया था, तभी आपको अभी अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको अभी अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप में दोस्तों आप सभी लोगों को जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है और आप सभी लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना आधार कार्ड का 4 अंक दीजिएगा लास्ट का, ध्यान से यहाँ पे लिखा गया दोस्तों अंतिम 4 अंक देना है, यानी कि लास्ट का 4 डिजिट ही देना है। उसके नीचे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जो आधार से लिंक है, तभी आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त करने पर क्लिक करना है, एक OTP आपको मिलेगा दोस्तों, वो OTP एंटर करके यहाँ पे OTP सत्यापित करने पर क्लिक करना है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को टोटल 6 यहाँ पे स्टेप्स में ये आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप में दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे जमाकर्ता की सहमति देना है, यानी कि कंसेंट देना है। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पे नियम और शर्तें पे क्लिक कर दीजिएगा और मैं सहमत हूँ उसको यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है फुल, वहाँ पे लास्ट का 4 अंक मांगा था ना, यहाँ टोटल नंबर मांग रहा है दोस्तों, 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे OTP प्राप्त करने पर क्लिक कीजिएगा, OTP आने के बाद OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा, OTP सत्यापित करने पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, OTP जाने के बाद आपको आपको बता दिया जाएगा कि OTP भेजा गया है, OTP यहाँ पे दे दीजिएगा, सत्यापित करने पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद विवरण आधार से प्राप्त किया गया है, यानी कि जो भी आपका आधार डिटेल में था वो डिटेल यहाँ पे फेच किया गया, आपका पूरा नाम क्या है, आपका जन्म डेट क्या है, पिता पति का नाम, आधार से डेट बैंक कौन सा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो भी पैसा आपको रिफंड मिलेगा आधार सीडेट बैंक में ही मिलेगा, डायरेक्ट DBT के माध्यम से उसका नाम आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, जो भी हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, जो भी बैंक आपका आधार से लिंक होगा दोस्तों, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे जो रेड मार्क में दिख रहा है इस बॉक्स में आपको नाम शो कर जाएगा, तो इसी बैंक में आपको पैसा मिलेगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज इसे छोड़ के आपको नेक्स्ट यहाँ पे आना है। ठीक है, और आप सभी लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं व्यक्तिगत जो विवरण है वो सफलता यहाँ पूर्वक वो सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों अगला का जो ऑप्शन है यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अगला पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो थर्ड स्टेप में आप आ चुके हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में दावा विवरण, यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना, स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है सहारा का सर्टिफिकेट। तरह तरह के सर्टिफिकेट आते हैं, अलग अलग सोसाइटी का थोड़ा अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दिया रहता है। तो सबसे पहला यहाँ पे दावा विवरण में क्या करेंगे, सोसाइटी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट सोसाइटी जहाँ लिखा है ना, वहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है, 4 सोसाइटीज का नाम आ जाएगा, उनमें से जो भी सोसाइटी में आपका पैसा जमा है उसी सोसाइटी को सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरा कीजिएगा तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान से। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरा सोसाइटी कौन सा है, ये कहाँ पे लिखा होता है, तो मैं देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को स्क्रीन पे एक यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना रेड मार्क में, यही आपका सोसाइटी का नाम है दोस्तों, हमारा इंडिया सोसाइटी लिमिटेड, जो भी लिखा है वही आपका नाम है, वही तो सेलेक्ट कीजिएगा जो आपके सर्टिफिकेट में है। ठीक है, वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सदस्यता संख्या दे देना है दोस्तों, सदस्यता संख्या, मेंबरशिप नंबर आपके सर्टिफिकेट में होगा, खाता संख्या जिसे कि अकाउंट नंबर मांगा जाता है वो दे दीजिएगा, वो भी आपके सर्टिफिकेट में होगा, रसीद संख्या जो रसीद नंबर होता है दोस्तों वो भी दे दीजिएगा, वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। उसके बाद पासबुक नंबर या फिर प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसी को पासबुक नंबर भी बोलता है और सर्टिफिकेट नंबर भी बोलता है दोस्तों, तो दोनों में से जो वहां पे अवेलेबल है आपके सर्टिफिकेट में वो दे दीजिएगा दोस्तों। ये डिटेल थोड़ा सा यहां पे खोजना पड़ता है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को दे रखा है दोस्तों, जिसमें कि मैंने डिटेल से बताया कि कैसे हम लोग अपने सर्टिफिकेट को पढ़ेंगे और ये सब डिटेल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो वहां से देख लीजिएगा और अपने डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इतना कुछ फिल करने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे खाता खोलने की तिथि देना है, यानी कि किस दिन आपने अकाउंट ओपन कराया था, ये डेट भी सर्टिफिकेट में वहां पे मेंशन होता है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने उस वीडियो में बताया, आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे जमा योगदान राशि,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मांग रहा है, ठीक है, कि कितना आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है कि आपका जमा कितना है, आपने डिपॉजिट कितना किया है, ठीक है। मैच्योरिटी मान लेते हैं आपका 1 लाख होगा, तो वो नहीं लिखना है दोस्तों, जितना आपने जमा किया है ना। जैसे मान लेते हैं किसी ने 50,000 जमा किया है, उसको 1 लाख मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट उसका तो 50,000 है ना, तो उतना ही देना है जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका टोटल अमाउंट लिखा होता है कि कितना आपने यहाँ पे जमा किया है और मैच्योरिटी कितना मिलेगा, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाते हैं कि भुगतान प्राप्त हुआ है क्या, कोई भी एडवांस में या फिर लोन वगैरह लिया है क्या। तो यहाँ पे लोन में ही ब्लैंक रहने दीजिएगा, टिक नहीं लगाइएगा, ठीक है। और चूज फाइल पे क्लिक करके दोस्तों जो सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे ऊपर में हम लोगों ने दिया है ना, स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप का एक फोटो ले लीजिएगा सिंपल, ठीक है, फोटो ले लीजिएगा उसको, ठीक है। और उसका साइज दोस्तों 200 KB से कम होना चाहिए। फोटो लेने के बाद उसको थोड़ा सा साइज कम कर लीजिएगा। ऑनलाइन बहुत सारे टूल होते हैं, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि साइज रिड्यूस कैसे करें फोटो का, तो वहां पे आ जाएगा। जो भी फोटो आपने लिया है 200 KB से कम पहले कर लीजिएगा और उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, दाएं साइड में वो सर्टिफिकेट आपका शो हो जाएगा, ठीक है ना। दाएं साइड में वो प्रॉपरली दिख जाएगा कि हाँ जो डिटेल मैंने फिल किया है। उसके बाद ये राइट साइड में मिला लीजिएगा कि हाँ वही डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा ना, उसके बाद आप सभी लोगों को जब आपने फाइल चूज कर लिया, तो नीचे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं दावा जोड़ने का एक ऑप्शन दिया जाता है। यानी कि जो डिटेल दिया आपने, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने चूज फाइल पे क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा प्रमाण पत्र अपलोड करने जहाँ लिखा है, वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे दावा जोड़े पे क्लिक करेंगे तो ये जो दावा है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने ब्लर कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे एक लिखा हुआ आ जाएगा और एक के आगे आपका सोसाइटी कोड रहेगा, सदस्यता संख्या रहेगा, खाता संख्या रहेगा, रसीद संख्या रहेगा, ऐसे ही आपका अकाउंट खुलने की तिथि रहेगा, बहुत कुछ यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। तो जितना भी सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास और सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, जैसे मान लेते हैं किसी के पास 3 सर्टिफिकेट होता है कि नहीं, के पास 5 डिपॉजिट होता है दोस्तों, तो सबका एक ही बार में क्लेम करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितना भी पैसा आपने लगाया दोस्तों सबके लिए एक ही बार में। अब बोलेंगे कि एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा इसके ऊपर आएंगे दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को यही ऑप्शन दिया जाएगा कि सबसे पहले फिर से नया आपको अपना सोसाइटी चुनना है और उसका डिटेल्स फिल करना है, खाता संख्या, रसीद संख्या, मेंबरशिप नंबर। उसके बाद आपको नीचे आना है, जो डिटेल फिल किया है दूसरा का उसका फोटो ले लेना है, 200 KB से कम होना चाहिए, उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। और फिर दावा जोड़े कर देना है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का शो होगा। तो आपके पास 3 है 4 है 5 है 6 है जो भी है दोस्तों, वो एक बार में सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सभी लोगों को आ जाना है, अगला पे क्लिक कर देना है दोस्तों, और आपको आ जाना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। जितना दावा होगा एक बार में यहाँ पे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रपत्र जनरेट करें का 4th स्टेप आपके सामने आ चुका है, कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज डाउनलोड करें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है यदि आपको अपने किसी दावे के विवरण को संशोधित करने या जोड़ने की आवश्यकता है तो आप वापस जा सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं या इस चरण में नए दावे जोड़ सकते हैं। अगर अभी भी कोई भी एडिट वगैरह करना है, कोई गड़बड़ है दोस्तों, तो आप कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे, मतलब फाइनल करने के बाद नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको देखने को मिल जाएगा दावा अनुरोध जनरेट करें, ठीक है। एक PDF का फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, PDF का फॉर्म मिलने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, इसको जेरोक्स करवा के आपको निकलवा लेना है। यहाँ पे फोटो वगैरह चिपकाने के लिए कहा जाएगा, फोटो चिपकाने के बाद फोटो में क्रॉस साइन करने के लिए कहा जाता है, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपको, और आप सभी लोगों को फोटो चिपका देना है, साइन कर देना है। जो दावा आपने यहाँ पे जोड़ा है वो दावा आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या फिल करना है, फोटो लगाना है, साइन करना है, फर्स्ट पेज में आपको बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद आपको दूसरा पेज में साइन करना है, प्लेस लिख देना है और मोबाइल नंबर लिख देना है, बस यही कुछ चीज आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ अच्छे से ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। इतना करने के बाद दोस्तों फिर से आप सभी लोगों को इसका एक फोटो लेना होगा, फोटो लेने के बाद इसका PDF में कन्वर्ट करना होगा। दोनों पेज को कैसे किया जाता है मैंने एक वीडियो में बताया है, वो भी जाके देख लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों इसमें 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लीजिएगा, अच्छे से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद भी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आपका ये फॉर्म सही फिल हो जाए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बता के रखा है, फिल होने के बाद आपको इसका फोटो ले लेना है, फिर इसको PDF में दोनों को मर्ज कर लेना है दोस्तों, ठीक है। मर्ज करने के बाद दोस्तों फिर से आप सभी लोगों को यही सहारा रिफंड पोर्टल पे आना है, ठीक है, और जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना आधार कार्ड का डिटेल OTP देने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट इस पेज में आप आ जाएंगे। इस पेज में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को, डायरेक्ट आपका 4th स्टेप ही खुलेगा दोस्तों, जहां पे आपने रुका था, जहां पे आपको रुका गया था 4th स्टेप में, इसी स्टेप में डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। यानी कि इतना काम आपने पहले करके रखा है, इसके आगे आपको काम करना है। 4th स्टेप में आने के बाद नॉर्मली आपको नेक्स्ट कर देना है, अगला पे क्लिक कर देना है, आ जाएंगे 5वें में अपलोड करें के सेक्शन में। जो PDF मेरा डाउनलोड हुआ था, जिसमें मैंने फोटो चिपकाया है, क्रॉस साइन किया है, बैंक का नाम लिखा है, जो मैंने PDF कन्वर्ट किया है, उसका आपको यहाँ पे एक कॉपी को अपलोड करना होगा। चूज फाइल यहाँ पे दावा आवेदन प्रपत्र, यही है दोस्तों दावा आवेदन पत्र, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और वो PDF यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, PDF जो मैंने यहाँ पे जनरेट किया था। और अगर ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा होगा ना आपका, तो यहाँ पे आपको इसके नीचे एक पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा, लेकिन इस केस में दोस्तों यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा क्योंकि इसका अमाउंट 50,000 से कम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
आप लोगों को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल पे जाके दोस्तों ये पीडीएफ अपलोड कर देना है और अपलोड करने पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और राइट साइड में वो फॉर्म दिख भी जाएगा, राइट साइड में यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा पीडीएफ आपने यहाँ पे अपलोड किया है। उसके नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोगों को पिछला और अगला का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे अगला का बटन ओपन हो जाएगा। अगला पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, तो यहाँ पे देख सकते हैं धन्यवाद आपका दावा आवेदन संख्या इतना है जो कि 4 अगस्त को प्राप्त हो गया है और इनको भेज दिया गया है, 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर आपको सीआरसी पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। ये हो गया आपका कंफर्म, अभी अभी आपने सक्सेसफुली अपना फॉर्म अप्लाई कर लिया दोस्तों। ये जो रेफरेंस नंबर दिया है ये सेव करके रख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, फ्यूचर में काम आएगा। किन्हीं किन्हीं लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है दोस्तों ये तो घबराने वाली बात नहीं है, SMS के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है।